नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत बेहतरीन स्मार्टफोन जो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, जिससे आपको ऐसी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम लेके आ गए हैं मोटोरोला एज 50 का रिव्यू, जो कि दोस्तों बहुत ही नया स्मार्टफोन है, लॉन्च हो गया है दोस्तों, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। ये दोस्तों बहुत बेहतरीन स्मार्टफोन उभर के आ गया, क्योंकि दोस्तों मोटोरोला के एज 50 सीरीज के बीच का स्मार्टफोन है। क्योंकि पहले भी मोटोरोला ने लॉन्च किया है अपना मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा, एज 50 फ्यूजन, एज 50 प्रो, ये तीनों के बीच का स्मार्टफोन हो गया आएगा जो दोस्तों वो है मोटोरोला एज 50। इस फोन में दोस्तों आपको इस तरह के फीचर और इस तरह की ड्यूरेबिलिटी आपको मिलती है, क्योंकि दोस्तों US मिलिट्री से सर्टिफाइड आपको जो है इसमें सर्टिफिकेशन मिलता है ड्यूरेबिलिटी का। US की मिलिट्री है दोस्तों, जो MIL SKD 810H सर्टिफाइड, यानी कि US मिलिट्री सर्टिफाइड इसमें सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। और ये इतना ड्यूरेबल है दोस्तों कि इसमें इसको आप किसी भी कंडीशन में आप रख सकते हैं, जैसे कि आप शॉक है, वाइब्रेशंस है, प्रेशर, हाई प्रेशर आप डालेंगे, डस्ट प्रूफ है, हाई टेम्परेचर में इसको रखा गया है, कोल्ड टेम्परेचर में रखा गया है, किसी भी तरीके के ये 16 ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस में इसको ड्यूरेबिलिटी चेक करी गई है, जिससे दोस्तों ये बहुत बेहतरीन स्मार्टफोन उभर के आ रहा है। ये दोस्तों US की जो मिलिट्री सर्टिफिकेशन है किसी भी ऐसी स्मार्टफोन में नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत ही कम स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है जो दोस्तों मोटोरोला ने लेके आया है अपना मोटो एच 50 में। ये दोस्तों एक बहुत बेहतरीन स्मार्टफोन उभर के आएगा, और ये दोस्तों एक ऑलमोस्ट कंप्लीट स्मार्टफोन है जिसमें आपको हर तरीके फीचर्स मिलते हैं, साथ में AI का भी इनबिल्ट फीचर मिलता है, साथ में इतनी बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी मिलती है कि आपको ये फोन बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। ये दोस्तों बहुत ही थिन और कर्व स्मार्टफोन है, जो कि आपको बहुत ही बेहतर फील भी कराएगा। साथ में दोस्तों इसमें 68 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलते हैं, C2C केबल इसमें मिल रहा है। इसमें 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, जो डार्क कलर आपको मिल रहे हैं, पहला कलर है दोस्तों जंगल ग्रीन, दूसरा कलर है दोस्तों कोयला ग्रे, तीसरा कलर है दोस्तों पीच फज। ये तीनों कलर दोस्तों आपको मैट फिनिश में आपको मिलेंगे, और बहुत ही बेहतरीन डार्क कलर आपको देखने को मिलेगा। इसके बॉटम में अगर हम देखें दोस्तों तो स्पीकर ग्रिल हमें मिल रहे हैं, माइक्रोफोन हमें मिल रहा है जो प्राइमरी माइक्रोफोन होता है, USB-C टाइप हमें मिल रहा है, और सिम ट्रे हमें मिल रहा है। इसके लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट हमें पूरा क्लीन मिलता है, राइट में हम देखें तो राइट में हमें वॉल्यूम रॉकर मिल रहा है। इसके बाद हमें एक सेकेंडरी माइक्रोफोन हमें यहाँ पर मिलता है, और तीसरा लॉक अनलॉक बटन हमें मिल रहा है। टॉप में हम देखें तो नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन हमें मिल रहा है, यानी कि ये दोस्तों एक बहुत बेहतरीन डिजाइन के साथ आता है, जो कि कर्व डिस्प्ले है, जो 3D कर्व के साथ दोस्तों आपके बेजल्स भी इतने स्लिम और इतने थिन आपको मिल रहा है कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसका डिस्प्ले अगर हम देखें दोस्तों तो 6.7 इंच का 1.5 के POLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि दोस्तों 3D कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें मिलता है, और 1600 नट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, कि आपको जो है बहुत बेहतर एक्सपीरियंस कराएगा। अगर आप BGMI भी इसमें गेम खेलते हैं तो आपको बहुत बेहतर डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि आप करीबन 60 से 30 FPS में भी आप इसमें BGMI खेल सकते हैं। इसका प्रोसेसर अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि बहुत ही नया प्रोसेसर है, बट उस तरीके की प्रोसेसर इसमें नहीं मिलता जितना कि आपको बाकी एच 50 सीरीज में आपको देखने को मिलता है। ये एक एक्सेलरेटेड एडिशन है, जो कि 4 नैनोमीटर के चिपसेट में वर्क करता है। साथ में दोस्तों इसमें स्पेशियस 4516 mm की आपको कूलिंग चैम्बर देखने को मिलता है, यानी कि गेमिंग का भी एक्सपीरियंस आपको बहुत बेहतर कराएगा। इसका औसत स्कोर दोस्तों 7 लाख से भी पार है, यानी कि आपको बहुत बेहतरीन स्मार्टफोन मिल रहा है, बट बाकी मोटो एच सीरीज के कंपैरिजन में इसमें ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा दी गई है, लेकिन प्रोसेसर थोड़ा सा कम रखा गया है, इसीलिए ये ऑलमोस्ट स्मार्टफोन उभर के आएगा। इसका जो रैम देखिए दोस्तों 8 GB रैम मिलता है, जो LPDDR4X में आपको मिलता है, और रोम जो दोस्तों यानी स्टोरेज आपको 256 GB की मिलती है, जो कि UFS 2.2 में वर्क करता है। इसकी बैटरी की अगर हम बात करें तो 5000 mAh की बैटरी हमें मिल रही है, और 68 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हमें मिल रहा है, जो कि चार्जर आपको बॉक्स में भी मिलता है, और 15 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आपको मिलती है। इसकी जो लॉन्च प्राइस है दोस्तों 27,999 होने वाली है, और अगर आपको सारे बैंक ऑफर लगाने के बाद ही करीबन 25,999 में आपको मिलने वाला है। इसमें दोस्तों हेलो UI है, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन एंड्रॉइड 14 में वर्क कर रहा है, और दोस्तों इसमें बहुत सारे मोटो के AI फीचर्स भी आपको मिलते हैं, जैसे कि स्मार्ट कनेक्ट, मैजिक कैनवास वगैरह भी आपको मिलता है। और दोस्तों इसमें ऐसे फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं कि अगर आप
कोई भी कलर आप देख रहे हैं या कोई भी नेचर आप देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा टेक्सचर आप देख रहे हैं, जैसे आप शर्ट का ही टेक्सचर देख रहे हैं, कलर देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो आप इसको फोटो क्लिक करके रखेंगे तो आपको AI जो है आपके हिसाब से ही वो आपको वॉलपेपर क्रिएट करके दे देगा, आपके एक इमेज क्रिएट करके दे देगा जिससे आप वॉलपेपर भी रख सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत बेहतर है। यानी कि अगर आप कोई फीमेल है जो उनकी साड़ियां हैं, चूड़ियां हैं या किसी भी तरीके का आपका जो है आप फोटो खींच सकते हैं और उसको आप अपना वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं जो AI क्रिएट करके दे रहा है। इसमें दोस्तों फैमिली स्पेस आपको मिलता है, मोटो के जेस्चर्स आपको मिलते हैं, फास्ट टॉर्च मिलता है जो कि आप इसी यूज कर पाएंगे। मोटोरोला ने दोस्तों आपको इसमें 2 साल के OS अपडेट आपको प्रोवाइड कर रहा है और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, इससे दोस्तों आप इस फोन को आराम से 3 से 4 साल चला सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों, तो कनेक्टिविटी में ये करीबन 16 5G बैंड आपको प्रोवाइड कर रहा है, 2G वोल्टी प्रोवाइड कर रहा है, Wi-Fi 6E प्रोवाइड कर रहा है, Bluetooth 5.2 आपको प्रोवाइड कर रहा है, NFC सपोर्ट आपको मिलता है और 4x4 का मीमो आपको मिल रहा है, यानी कि सारी कनेक्टिविटी के सपोर्ट आपको मिलते हैं जिससे ये फोन बहुत बेहतर हो जाता है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है, फेस लॉक अनलॉक भी देखने को मिलता है, यानी कि आपको लॉक और सिक्योरिटी पर्पज से बहुत बेहतर स्मार्टफोन है। इसका जो रैम है दोस्तों वो AI पावर्ड है, यानी कि अगर आप कोई भी रैम यूज करें, कोई भी यूज करें, गेम भी खेल रहे हैं या फिर कुछ स्टोरेज कर रहे हैं, कुछ वीडियो देख रहे हैं, कि इसमें जितनी आपको रैम जरूरत है वो AI आपको उतना ही रैम प्रोवाइड करेगा और बाकी जो रैम है उसको स्पेस में बचा के रखेगा कि आपका जो रैम है वो ज्यादा यूज मत हो और आपका फोन जो है बहुत ईजी वर्क कर पाए। इसका बहुत बेहतरीन फीचर हम देखें दोस्तों तो इसका मेन है जो कैमरा है। कैमरे में दोस्तों इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। पहला कैमरा दोस्तों 50 MP OIS कैमरे के साथ आता है, जो कि दोस्तों सोनी का लीडिया 700C कैमरा है, बहुत ही पुराना कैमरा आपको देखने को मिलता है जिसको कि AI पावर्ड भी है। और इसमें दोस्तों 10 MP का जो है दूसरा कैमरा मिलता है जो कि 3x टेलीफोटो जूम आपको प्रोवाइड करता है। और तीसरा कैमरा दोस्तों आपको 13 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको मिलता है। और सेल्फी कैमरा अगर हम देखें तो 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जिससे दोस्तों बहुत बेहतरीन क्लिक्स आती है और बहुत ही बेहतरीन 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे आप। 30 FPS से 40 FPS से 60 FPS तक जाता है, जिससे दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन क्वालिटी आपको मिलती है। अगर आप डुअल कैमरा रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो सेल्फी और बैक से भी आप डुअल कैमरा रिकॉर्डिंग इसमें फीचर दिया है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें IP68 की रेटिंग आपको मिलती है, यानी कि ये बहुत बेहतरीन वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट आपको स्मार्टफोन मिलता है, जो कि बहुत बेहतर है। इसमें दोस्तों डॉल्बी एटमॉस का जो आपको फीचर भी मिलता है, यानी कि आपको बहुत ही स्पीकर का एक्सपीरियंस भी कराएगा, साउंड का एक्सपीरियंस भी आपको कराएगा। और दोस्तों अगर आपको इसको फोन को परचेस करना है तो आप 8 अगस्त के लिए फ्लिपकार्ट पे मिलने लगेगा। आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप किसका वेट कर रहे हैं चेकआउट जरूर करें। ऐसे वीडियो देखने में मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और YouTube पे देखने सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, जिससे आपको ऐसे नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। थैंक यू सो मच।